शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल मजीगवा त्योंधर में निर्माणाधीन भवन मानक विहीन बच्चों को नहीं मिलता मेनू के आधार पर मध्याह्न भोजन। आपको बताते चले कि रीवा के त्योंधर के अंतर्गत शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल मजीगवा के मध्याह्न भोजन मेनू के आधार पर नहीं मिलता है। बच्चों को केवल पौष्टिक आहार के नाम पर चावल और सब्जी ही प्रदान की जाती है। विद्यालय में 22 स्टाफ, छात्र संख्या लगभग 998। विद्यालय भवन निर्माणाधीन है जिसकी अनुमानित लागत लगभग 2 करोड़ के आसपास तत्कालीन ठेकेदार द्वारा फाउंडेशन गुणवत्ता विहीन बनाया गया है। ऊपर का निर्माण कार्य चल रहा है। विद्यालय का शिक्षण कार्य सुचारू रूप ढंग से संचालित हो पाता विद्यालय के प्राचार्य आर के मिश्रा द्वारा क्या बताया गया आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। मैं शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल मजगवा में मौजूद हूँ। मेरे सामने विद्यालय के प्राचार्य जी मौजूद हैं। मैं सर आपसे ये जानना चाहूंगा कि विद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था सुचारू रूप से ढंग से तो संचालित हो रही। सर यहाँ पर पहले सब बताइए, जो शिकायतें मिल रही हैं कि मध्याह्न भोजन जो है मेनू के अनुसार बच्चों को प्रोवाइड नहीं कराया जा रहा है, क्या सर ये सत्यता है? आप इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मेनू के अनुसार नहीं बन रहा है लेकिन खाना अच्छा बन रहा है। दाल चावल सब्जी। बाकी मेनू के आधार पर बच्चों को नहीं दिया जाता है। सर अच्छा, दूसरी चीज और बताएं, आपके विद्यालय में और किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है? नहीं, कोई दिक्कत। विद्यालय तो आपका बन रहा है, नया भवन बनाया जा रहा है, निर्माण हो रहा है और उम्मीद है कि 2-3 महीने में सर वो फिनिशिंग चल रही है। सर जो विद्यालय भवन बनाया गया है वो मानक विहीन तो नहीं है, गुणवत्तापूर्ण है? गुणवत्तापूर्ण क्योंकि टेक्निकल व्यक्ति तो मैं हूँ नहीं, रिस्पॉन्सिबल पर्सन है सर, रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। और जो कुछ पूर्व ये 2 ठेकेदार के द्वारा बनाया गया, नीचे वाले दूसरे बना के चले गए, उसके बाद ऊपर वाले बना है, तो नीचे वाले कुछ कमी रह गई थी, उस कमी को भी पूरा। उस ठेकेदार का क्या नाम था सर जो नीचे फाउंडेशन बनाया है? नहीं मालूम है सर। इसकी अनुमानित लागत कितनी रही है सर इस बिल्डिंग की? ये पहले वाले की 95 लाख थी और इस बार की 95 लाख की है। अच्छा सर ये बताएं, ये PIU के माध्यम से सर ये थोड़ा सा बताएं कि आपके यहाँ शैक्षणिक कार्य और स्टाफ पूरा है? नहीं, हमारे यहाँ फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इसके जो है वर्ग एक टीचर नहीं है। इसके स्थान पर हमने अतिरिक्त शिक्षक रखा है। फिजिक्स का चूंकि मैं स्वयं हूँ, पहले चल रही थी फिजिक्स, हम ही देखते हैं। और सर परमानेंट स्टाफ कितना है आपका? परमानेंट स्टाफ है 20 लोगों का, एक से बारह जी सर। अतिरिक्त शिक्षक की गणना है उसमें? नहीं, अतिरिक्त शिक्षक दो हैं सर। सर और अतिरिक्त शिक्षक है, दो व्यवसायिक शिक्षक हैं। सर विद्यालय में सर मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, मध्य प्रदेश शासन जो भी सुविधाएं दे रही हैं उसका भरपूर लाभ विद्यालय को मिल रहा है सर? हाँ, शैक्षणिक व्यवस्थाओं में अध्यापकों का रुझान ठीक ठाक रहता है? हाँ। सर जो स्वयं सहायता समूह जो भोजन प्रोवाइड कराता है उसका क्या नाम है? ये हमारे हेडमास्टर साहब बताएं। जी सर, थैंक यू सर। बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद।